हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल स्टडी फॉर यूपीएससी। आज हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चन हैं और उनके आंसर देखेंगे हम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हैपन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, ओके, किसके काल में ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। गाइस, अगर आपको पता है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ए, ठीक है। इसका आंसर है ए, अजात शत्रु के शासन के दौरान जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ओके, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, उदयगिरी एंड कांदागिरी केव आर पार्टली नेचुरल एंड पार्टली आर्टिफिशियल। ओके, आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड, ओके, नेचुरल मीन्स जो नेचुरल बनी है, होती है नेचर के द्वारा, ठीक है। केव ऑफ रिलीजियस इम्पोर्टेंस नियर भुवनेश्वर, विच रीजन रिलीजन दे एसोसिएटेड विद, ठीक है। ये आप देखें यहाँ पे किस रिलीजन से संबंधित हो सकती हैं, ठीक है। ये केव्स उदयगिरी एंड कांदागिरी, ओके। सो इसका जो राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ये है आपके जैनिज्म से रिलेटेड, ओके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर और इज करेक्ट, ओके। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो है, चैत्या इज ए बुद्धिस्ट श्राइन और प्रेयर हॉल विद स्तूपा एट वन एंड, ओके। दूसरी स्टेटमेंट है हमारी, अभिहारा इज ड्वेलिंग प्लेस डिनोटेड टू द नॉर्मली वेंडरिंग बुद्धिस्ट मॉन्क। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी, ठीक है, बोथ वन एंड टू, ओके गाइस। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका सिख गुरु से रिलेटेड, हु वॉज द नाइन्थ सिख गुरु, जो नौवें जो सिख गुरु थे वो कौन थे, ठीक है। ये आपको ऑप्शन देख रहा होगा, गुरु तेग बहादुर, गुरु हर कृष्ण, गुरु हर गोविंद, गुरु गोविंद सिंह। आंसर आपको पता है तो वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर ढूंढ सोचिए। जो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसके जो नाइन्थ जो सिख गुरु थे वे थे तेग बहादुर, ओके, गुरु तेग बहादुर, ओके, नाइन्थ सिख गुरु। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, नौरोज इज सेलिब्रेटेड इन विच फॉलोइंग स्टेट, ओके। नौरोज किस इंडियन स्टेट में मनाया जाता है, तो वहाँ यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप इसमें देखिए कहाँ पे मनाया जाता है। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर होगा बी, ओके, बी इसका राइट आंसर, कश्मीर में, ठीक है। तो ये कश्मीर में मनाया जाता है नौरोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पारशियाना इज फेस्टिवल रिलेटेड विद, ओके, जो पारशियाना फेस्टिवल है ये किस रिलीजन से संबंधित है। तो यहाँ आपके पास पारसी है, जैन, बुद्ध और सिख है। चलिए इसका आंसर बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, ओके, बी जैन इज द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फेराजी मूवमेंट, ठीक है, जो एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म था, इसके संस्थापक कौन थे, ठीक है। इसके जो संस्थापक कौन थे वो आप यहाँ पे देखिए, आपके पास ऑप्शन है, जो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑर्गेनाइज शुद्धि मूवमेंट, ओके, जो शुद्धि मूवमेंट था हमारा, ऑर्गेनाइज शुद्धि विद द व्यू टू ब्रिंग बैक कन्वर्टेड हिंदू बैक टू हिंदू फोल्ड, ओके। शुद्धि मूवमेंट किस लिए चलाया गया था, ठीक है, ये चलाया गया था जो हिंदू कन्वर्ट हो गए थे क्रिश्चियन में, उनको वापस शुद्ध करके उन्हें दोबारा से कन्वर्ट करने के लिए हिंदू धर्म में ये चलाया गया था ये मूवमेंट, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका आर्य समाज के द्वारा, ठीक है, ये आर्य समाज के द्वारा चलाया गया था हिंदुओं को दोबारा से, जो हिंदू थे जो कन्वर्ट हो गए थे क्रिश्चियन में, उनको दोबारा हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए आर्य समाज के द्वारा ये मूवमेंट चलाया गया था। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निरंकारी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय, ओके, जो निरंकारी मूवमेंट था वो किसके द्वारा चलाया गया। आपके पास ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, देखिए इसका राइट आंसर और कमेंट में लिखिए वीडियो पॉज करके। चलिए मैं इसका जो राइट आंसर है वो बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, बाबा दयाल दास ने के द्वारा जो निरंकारी मूवमेंट था वो चलाया गया, ठीक है, बाबा दयाल दास, ओके, निरंकारी मूवमेंट के जो फाउंडर थे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड एनिमल वॉज नॉट नोन टू वैदिक पीपल। वैदिक पीपल, वैदिक जो पीरियड था उस समय कौन से जानवर का लोगों को पता नहीं था, ठीक है। इसका आंसर इस देखिए, इसमें एक लॉयन हो सकता है, टाइगर, एलिफेंट और बो। जिसका राइट आंसर है वो होगा गाइस बी, ठीक है, टाइगर के बारे में वैदिक लोगों को, जो वैदिक पीपल्स थे, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द टाइगर, ओके। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, अगर पसंद आई होगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं रोज़ आपके लिए इसी तरह की और नई नई वीडियो लेके आता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।